क्या बात है भाई, पहला चेक कनाडा में। चेक आ गया, नाम दिखाओ ना, सिर्फ नाम दिखाओ भाई। चेक आ गया पहला भाई का, मस्त एकदम। कैसा लग रहा है? ग्लास भी लेके गई है, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस, बिकॉज़ आई ऑलरेडी हैव ग्लास। उसने कुछ बोला कि इमिग्रेशन से कुछ लेवल। चलो थोड़ा चेक आ गया ना, चलो पार्टी। भाई आज का मौसम देख रहे हो, फिर भी बर्फ नहीं पिघल रही है, और अगर पिघल भी गई तो कल दोबारा पड़ जाएगी। ये तो देश की वो है, क्या बोलो। तो वो सब तो चलता रहता है। आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज के व्लॉग का टाइटल आप देख के समझ गए होंगे, टैक्स फाइलिंग के ऊपर है। बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि भाई टैक्स फाइल करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, फलाना ढिकाना और करना ज़रूरी होता है क्या, मतलब वगैरह वगैरह, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो भाई सुनो, सीधी सी बात, आज मैं अपना टैक्स फाइल करने जा रहा हूँ। मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा आपको कितना रिफंड आ रहा है, बट हाँ लास्ट ईयर कितना आया था। और हमारे साथ एक नया लड़का भी है, हर्षित, जो मेरा नया रूममेट आया, उसका भी देखते हैं टैक्स फाइल करेगा तो, क्योंकि उसने कनाडा में अभी तक काम नहीं किया था। उसकी आज ही पहला चेक आया है, तो उसके पास कोई पुरानी इनकम है ही नहीं जिसके ऊपर वो टैक्स फाइल करे। तो उसका कितना रिफंड आएगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स के पास, जैसे वेलकम कनाडा, ट्रिलियम बेनिफिट और क्लाइमेट चेंज। बट सब चीज़ का कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए आपको एक साल कनाडा में रहना पड़ता है, तो वो सब उसको नहीं आएगा। बट क्या क्या मिलेंगे उसको बेनिफिट्स अगर वो टैक्स फाइल करता है तो वो भी बताते हैं। बाकी मैं अपना लास्ट ईयर का जो मेरा टैक्स फाइल किया था मैंने, वो मैं आपको बता दूंगा कितना अमाउंट था, पर वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल का सीन ऐसा है कि सब लोग तैयार हो रहे हैं, भैया बाहर आके गाड़ी बैठ चुके हैं, वो नया लड़का तैयार हो रहा है, हर्षित नाम है उसका, मैं उसे शायद शंटी भी बोलूँगा बीच बीच में, तो रिलेट कर लेना। तो वहाँ चलते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, और कितना टैक्स वापस आता है वो आप लोगों से शेयर करते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी फटाफट चलते हैं पहले, चलो। इतनी बड़ी मशीन दे रखी है प्रिंट निकालने के लिए इतने बड़े स्टोर में। ये नैनो का नया भाई। महंगी होगी बेटा ये इलेक्ट्रिक गाड़ी, स्पेस दे कितना है पीछे भी। वैसे यहाँ पे अभी प्रिंट निकलवाने गए, अगर इंडिया में कहीं हिसाब किताब होता तो एक बंदे को इसे मेल कर दो, जब व्हाट्सएप पे भेज दो, वो प्रिंट निकाल देता। यहाँ पे पहले क्रेडिट कार्ड टच करो, वो क्रेडिट कार्ड का आपके कुछ अमाउंट होल्ड पर डालेगा, उसके बाद जितना भी आपका बिल आएगा उसमें से वो काट ले जाएगा। जैसे हमने $10 होल्ड पर डाले थे, अब जितना कितना टोटल आया $3 के आसपास, तो $7 हमें वापस आ गए, तो मतलब $3 कटे। पर इंडिया में होते मस्त एकदम ₹10 तो सारे प्रिंट बाहर। A few inches later, भाई टैक्स फाइल करने ही जा रहे थे, पर थोड़ा सा डिले है प्लान में, क्योंकि भैया का ना इंटरव्यू था 1-3 बजे से, वो उनको पता भी था, हमें लगा था कि जल्दी से जाके आ जाएंगे, पर स्ट्रपल्स में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया एज कम्पेयर टू, मतलब 5-10 मिनट लगते हैं, पर एक प्रिंट निकाल के लाए पर एक प्रिंट रह गया, तो दोबारा गए तो आधा घंटे के आसपास लग गया, तो इसलिए अभी नहीं जा रहे, शाम को 4 बजे जाएंगे, इसलिए घर वापस आ चुके हैं। अभी सारे प्रिंट वगैरह सब कुछ निकाल लिए स्टेपल से, क्योंकि मतलब उनके पास हमारे T4s होते हैं जहाँ पे हम टैक्स फाइल करने जाते हैं, पर मैं वो जगह का नाम नहीं बताऊँगा कि हम टैक्स फाइल करने कहाँ जाएंगे, क्योंकि स्पॉन्सर तो है नहीं ये कि मेरे को पैसे दे रहा है उनका नाम बताने के लिए। तो आप टैक्स फाइल कहीं से भी करा सकते हो, जहाँ से आपकी मर्ज़ी हो, बट हम एक ही जगह पर जाते हैं। अब मैं नाम बता दूंगा तो आप लोग भी वहीं पे भागना शुरू कर दोगे, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि आप किसी भी CA से अपना टैक्स फाइल करा सकते हो, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो। हमने लास्ट टाइम भी उनसे कराया था, तो मैं इस बार भी उन्हीं के पास वापस जा रहा हूँ टैक्स फाइल कराने के लिए। बाकी सीन ऐसा है कि अब 4 बजे निकलेंगे तो उसके बाद दिखाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो नया लड़का है, हमें लगा था कि उसका भी टैक्स फाइल करा देंगे, बट अभी उसका ऊपर नहीं चल रहा है कि कराएं कि ना कराएं, अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। 4 बजे में 2 घंटे हो रहे, तो 2 घंटे तक अपने कॉलेज के काम वाम कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। 2 hours later एक इंसान के चेहरे पे चमक आ जाती है। एक साथ जो आएगा, एक साथ इनका फाइल नहीं किया भाई टैक्स, अमाउंट नहीं बताएंगे, ठीक है, अमाउंट जो भी बोल रहे हैं ये गाइस। टैक्स फाइल करके आप लोग कैसे हैं, खुश हैं कि नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं हूँ, खुश हैं। ये तुम्हारा तो सीन अलग है, बता नहीं। थिंकिंग कि मेरे एक फ्रेंड है, उसका ज्यादा है, तो मेरे को लगा था कि उसने पूरी साल काम किया, मैंने नहीं कहता इतना, मेरा तब भी उसका इक्वली है। ये तुम्हारा अगले साल कराएंगे भाई, इनका टैक्स फाइल नहीं किया, अभी रीज़न नहीं बताता हूँ क्यों, बट इन्होंने मैंने देखो फाइल कितनी इकट्ठी हो रही है, नाम नहीं दिखाऊंगा कंपनी का, बस जब पैसे देंगे ये लोग तब दिखाऊंगा। मुझे बोला जस्ट बिकॉज यू स्टडीड लास्ट ईयर अंटिल अप्रैल, उसकी वजह से आपका ये ज़्यादा आ रहा है, वरना नहीं आता इतना। उसने पता है मुझसे भी पूछा कि क्या आप अपने टैक्स से खुश हैं, मैं उससे मैं ऐसे खुशी के बारे में कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम किया तुमने, फिर एक फीडबैक और दे, मैं किस किस को देना है नाम बता दो अपने अपने।
उसने फुल मेरे को मेल पे लिंक लिंक भेजा इतना टैक्स करा मेरी उधारी भी नहीं उतरेगी क्या इतना टैक्स है मेरी उधारी भी नहीं उतरेगी अगले साल आप उधार दे सकते भाई साहब पैसे वैसे हमारी उधारी सब सही है बढ़िया एकदम टैक्स फाइल हो गया डॉक्यूमेंट्स का क्या चाहिए वो भी बताते हैं और भाई का क्यों नहीं किया वो घर पहुंच के बताएंगे जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए गुड एग्जांपल इम्पोर्टेंट बात भाई साहब कैसा लग रहा है आपको हम आए थे घूमने क्या बढ़िया काम हो गया उल्टा ऐसे सिर्फ सिर्फ पूरा मत दिखाओ नाम नाम भाई हमारी भाभी का इसमें एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा ये दिखा रहा भाई साहब रोड क्या मिलेंगी गरम गरम भाई की पहली सैलरी आई है भाई का टैक्स अच्छा वापस आ रहा है भाई का टैक्स भी आ रहा है और भाभी भी आ रही है भाई हमने 2 वीक पहले वीजा अप्लाई किया था और 2 वीक के अंदर आ भी गया मतलब 3 मार्च को अप्लाई किया था और आज की क्या डेट है 16 आज 16 मार्च है 15 मार्च है और 2 वीक के अंदर वीजा आ गया मतलब इतनी जल्दी आज का सारी चीजें अच्छी जा रही हैं पहले सबका टैक्स भी अच्छा अच्छा रिफंड तकड़ा वापस आ गया सबसे पहले भाई की सैलरी है जिंदगी की पहली जिंदगी की अब ये सब सेलिब्रेट करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है मंदिर अब जा रहे हैं सबसे पहले मंदिर वहाँ हाथ हाथ जोड़ेंगे जब चीजें अच्छी हुआ करें प्रसाद लेते सेम चीज प्रसाद लेके मंदिर जाएंगे सबसे पहले जब भी अच्छा काम हुआ करेगा सबसे पहले जाया करो मंदिर हाथ जोड़ा करो ताकि आगे भी अच्छी चीजें होती रहे ब्लॉग स्टार्ट किया था ये बताने के लिए कि टैक्स कैसे फाइल करते हैं बीच में और ज्यादा अच्छी गुड न्यूज मिल गई तो मैं कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं वरना हम छुपाते हैं थोड़ी चीजें अब मेरे से कोई भाई कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे अगर ज्यादा ही लोग कमेंट करेंगे तो वरना हमारा ये जो भैया है आखिरी में उनसे पूछाते हैं उनके कैसे खुशी के मारे भाई इमिग्रेशन कंसल्टेंसी खोलेगा तेरा भाई ये भाई मोटिवेट हो चुका है वहाँ पे लॉयर्स को देखे जो इंसान कनाडा में है उसको स्पाउसल वर्क परमिट लगवाना है वो ही कॉन्टेक्ट कर ओह माय गॉड तो कांटेक्ट करना ऋषभ चौहान पे मैं नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा दीप भैया की भी दे दूंगा ऋषभ भैया की भी दे दूंगा जस्ट वी नीड कनाडा के अंदर हो तो और एक लॉयर भी है बहुत अच्छा अभी उनकी डिटेल्स नहीं दूंगा मैं थोड़े टाइम के बाद दूंगा पर कनाडा के अंदर कुछ भी काम हो कैसा भी काम हो वो हेल्प कर देते हैं बहुत अच्छी कॉलेज चेंज करवाना हो एडमिशन लेना हो कहीं इनटेक नहीं मिल रहा हो सब बताओ कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो लॉयर बहुत 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 अच्छा है अभी हम एक दो काम उनको और करवाएंगे फिर उसके बाद जब वो सारी चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगा वरना मैं फालतू में कुछ आपको बताऊंगा नहीं फेक की हाँ मेरे जानने वाला ले लो बट अभी पहले जाते हैं मंदिर उसके बाद बात करेंगे भाई देखो भाई खुशी के मारे अकेला ही चले जा रहा है ये मंदिर यहीं पे गाड़ी की पूजा करी थी अगर आप लोगों को याद हो तो थोड़ा तेज भजन गा दो राम मंदिर अरे ये पूरी लॉबी है भाई आगे से लेफ्ट में जाके है मंदिर यहाँ पे जूते वूते उतारने के लिए यहाँ तक भाई मैं वैसे मंदिर अंदर से दिखाता नहीं हूँ मैंने कहीं भी कोई सा मंदिर नहीं दिखाया पर मैंने ये वाला इसलिए दिखाया ताकि आप लोग भी थोड़े से हाथ जोड़ लो क्योंकि हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं ना तो मैंने इसलिए दिखा दिया मैं आप लोग भी हाथ जोड़ के खुश हो लो अभी अंदर क्या हुआ आरती भी मिल गई आज हमें किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है पर एक बच्चा पता है वहाँ पे खड़ा होकर फूक मार रहा था आरती में क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ना छोटे बच्चों को यहाँ के क्या कर रहा है भाई वो फूक मार रहा मस्त एकदम फिर मैं उसके मुँह के कैसे हाथ रख दिया मैं क्या कर रहा है फिर उसके पीछे पापा गए बेटा नो 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 मैं कहा नाइस मिल्क केक में से थोड़ा सा प्रसाद बिना खाए नहीं निकलते सैलरी लो सैलरी मिल्क केक मिल्क केक मिल्क केक लेना ये भी दे दो एक मिल्क केक भी दो ये लो आप लोग भी खा लो भाई साहब ये खाने की जगह भाई साइड हटो सर भाई ये बहुत मस्त यहाँ का नान पराठा सब कुछ भाई टेस्ट इतना अच्छा ऊपर से चिरांदे बोल रहे हैं हमें तुझे भाई साहब प्लूरल कैसे हुआ यहाँ का खाना भी अच्छा है डांट पड़ी खत्म हो गया बंदा मैं क्या कह रहा था कि यहाँ का खाना इतना अच्छा है नान वगैरह बहुत तगड़े हैं अंदर तारीफ नहीं कर रहा कहीं आज के अंदर आ जा भाई किसी को एड्रेस देखना तो 555 लिंटन एवेन्यू एटोबिको इसके हम पहले आ चुके हैं एटोबिको ये मोमोज ठंडे हो जाएंगे इनके चक्कर में आज भाई साहब पेट इतना ज़्यादा भर गया ना कोक से पचाना पड़ रहा है क्या कर रहे हो अब्दुल यू आर कमिंग होम विद अस ओके All right then I am gonna sit.
आगे बैठू मैं बैठूंगा यार नहीं मैं बैठूंगा मैं नहीं बैठा सुबह से भाई टैक्स फाइल करके बाहर से आ गए थे। अब्दुल भी साथ ही आया था। थोड़ी देर बात करी बैठने के बाद कपड़े वपड़े चेंज किए सब कुछ। भाई अब जो इम्पोर्टेंट खबर आप लोगों को बतानी है वो ये है कि जैसे बहुत मतलब हमें पहले तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए टैक्स फाइल करने के लिए। जब टैक्स फाइल करने जाते हो सबसे पहली चीज आपके सिन नंबर पे सारे जहां भी आप सिन पे काम करते हो उन जगहों से T4 जनरेट होता है और वो ऑटोमेटिकली आप जहां पे भी काम कर रहे थे वो अपने आप ही अपलोड कर देते हैं। बट फिर भी T4 जो होता है आपको हर जहां भी आप काम करते हो वहां से मिलता है और उसको प्रिंट लेके चले जाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। जैसे हमने किया सुबह को हमने T4 निकाल लिए थे इन केस जैसे कोई आपका T4 वहां पे रजिस्टर नहीं है तो आप उसे दिखा सको। जैसे मैं पैराडाइन में काम करता हूं उन्होंने अपलोड नहीं कर रखा था तो मैं वो वाला T4 अपने साथ ले गया था और उन्होंने वहां पे मैन्युअली उसको ऐड कर दिया। अगर मैं नहीं लेके जाता तो कन्फ्यूजन रहती कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ। मैंने उनको दिए और जहां से मैं फाइल कराता वहां पे $5 लेते हैं एक T4 के तो मेरे पास 4 T4 थे तो $20 मतलब मैंने अलग अलग 4 जगह काम किया था जहाँ से मेरे को T4 फॉर्म मिला था। और एक आपके पास कॉलेज का फॉर्म होता है T2 उसे यूज़ करके ट्रिलियम बेनिफिट में आ जाता है जैसे उसमें पॉइंट्स काउंट जाते हैं। जैसे मैंने कॉलेज की फीस जमा करी $8,000 मैंने फर्स्ट सेम में 8,000 की थी तो वो मैंने ऐड कर दिया था तो उसके कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं और उन पॉइंट्स को यूज़ करके थोड़ा ज़्यादा रिफंड मिल जाता है जो आप फीस जमा करते हो। तो जैसे मैंने लास्ट ईयर भी किया था और इस बार भी मैंने फॉर्म ऐड कर दिया तो मेरे को लास्ट ईयर के जो पॉइंट्स थे उन सबको ऐड करके कुछ रिफंड आ गया ठीक ठाक सा अच्छा खासा। अब मैं रिफंड नहीं बताऊंगा ठीक है। ये मान लो कि $2,000 के आसपास है कुछ एक राउंड फिगर है $2,000 के आसपास का रिफंड आ गया मेरे को पूरा सीन पे काम करने के आसपास। उसके बाद सीन ऐसा है कि हम उसको भी ले गए थे हर्षित को जो नया लड़का है टैक्स फाइल कराने के लिए। पर उसके पास ना T4 था कोई और ना T2 था क्योंकि वो जनवरी इनटेक में आया है तो लास्ट ईयर का तो कोई इनकम जनरेट होती नहीं है। अब जैन से दिसंबर तक काम करेगा तब नेक्स्ट ईयर कर पाएगा तो उसका फाइल हमने नहीं करवाया। हम लेके गए थे पहले मेरे को आइडिया था कि वो सेप्टेम्बर इनटेक का है पर मैं भूल गया था कि वो जैन इनटेक का है तो इसलिए उसका फाइल करने का कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि जब मैं सेप्टेम्बर इनटेक में आया था मैंने टैक्स फाइल किया था और मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ मेरे को $1,100 समथिंग रिफंड आया था क्योंकि मैंने 4 महीने काम किया था सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसका और एक सेमेस्टर की फ़ीस भी थी तो उन सबका मिला मिलोगे मेरे को $1,200 वापस रिफंड आया था। और फिर मैंने पूरे साल काम किया जैन टू दिसंबर उसका मिला के जो अब आया है वो 2,000 के आसपास आया है। अब तुम सोचोगे क्या ब्लफ खेल रहा है 1,200 तब 1,200 इसलिए आया था क्योंकि जब इनिशियली आप अप्लाई करते हो टैक्स में तो आपको वेलकम कनाडा क्लाइमेट चेंज ये सब आपको मिल जाता है तो इसलिए थोड़ा एड ऑन हो जाता है। क्योंकि रिफंड मेरा उस पॉइंट पे भी जो टैक्स रिफंड था वो सिर्फ $400 था उसके ऊपर के बेनिफिट्स लग गए थे कि वेलकम कनाडा आ गया था क्लाइमेट चेंज हो गया था पर हमने इसका हर्षित का वो भी नहीं कराया क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था। और ये अगर बाद में भी जब भी अप्लाई करेगा टैक्स फर्स्ट टाइम करेगा तब भी इसे वेलकम कनाडा मिल जाएगा। बट अभी हम थोड़ा डाउटफुल में है कि इसका करें या ना करें। ये भी 3-4 लोगों से बात कर रहा है घर वालों से मतलब घर पे क्या यहाँ पे इसके कुछ रिलेटिव्स हैं उनसे पूछ रहा है। अगर वो जैसा बोलेंगे वो वैसा करेगा। अगर वो टैक्स फाइल करेगा तो किसी और व्लॉग में आपको दिखा देंगे और कितना रिफंड आया वो बता देंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता ही दिए। भाई एक जो मेन खबर है वो हमारी फैमिली में से मेरी भाभी इंडिया से कनाडा आने वाली है और उनका जो अप्रूवल था वो आज आपको दिख ही गया। भाई वो जो लॉयर है वो बहुत अच्छा है। मैं नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है क्या है। पहले मेरे को उनसे एक दो काम और कराने हैं। अगर वो भी काम अच्छे तरीके से देंगे तब मैं आपको शेयर कर दूंगा उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सब कुछ। कोई भी दिक्कत हो पूरे कनाडा में वो आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी टैक्स फाइल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इंडिया में भी करते थे यहाँ भी करेंगे अच्छी चीज़ है। एज अ स्टूडेंट आपको रिफंड मिल जाता है। बेसिकली जो सितंबर इनटेक वाले होते हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट रहता है क्योंकि हम 3 साल का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं 21 में आया था मैं 21 में भी अप्लाई कर दिया 22 में कर दिया 23 में भी कर दिया। पर ये जो हर्षित आया है ये सिर्फ 22 का कर पाएगा 23 का कर पाएगा क्योंकि 23 के अगस्त के आसपास इसका कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो ये स्टूडेंट रहेगा ही नहीं। हम 3 साल तक स्टूडेंट कर करके थोड़ा ज़्यादा रिफंड ले लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने तब ऑब्जर्व करी जब ऋषभ भैया का एक रिफंड आया और एक अच्छे अमाउंट का वापस आया बड़ा अमाउंट था। तब मैंने ऑब्जर्व किया कि वो ऐसा स्टूडेंट ही फाइल किया था क्योंकि वो मार्च तक स्टूडेंट थे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट था इस पॉइंट तक मैंने इतना काम किया ये वो तो उन्होंने स्टूडेंट ही डाला और उनको रिफंड जो उनकी अभी फील्ड जॉब की वजह से भी बड़ा रिफंड आया। तो ये हमें सेप्टेम्बर इनटेक वालों को हो सकता है। तो टैक्स फाइल करना ज़रूरी है और यहाँ पे करोगे तो हमेशा आपका एक रिकॉर्ड बन रहेगा। पर टैक्स फाइल करने के लिए सिन पे काम करना भी ज़रूरी है। तो जो लोग कैश पे काम कर रहे हैं वो थोड़ा सिन पे भी करते रहो ताकि आप टैक्स फाइल कर सको इन फ्यूचर और कंट्री को पता चलता रहेगा कि यार आप काम भी कर रहे हो पैसे कमा रहे हो जो भी हिसाब किताब है। क्योंकि मैं तो जब से स्टार्टिंग से आया था मैंने पहले से सिन पे काम किया था तो रिफंड एक अच्छा बना जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी अच्छा बने तो एक अच्छी जगह से यहाँ पे ट्रस्ट हो। मैंने लास्ट ईयर जहाँ से फाइल करवाया था वहीं से इस बार भी कराया
और मैं आपको नाम बता दूंगा आपका काम खराब हो जाए, तो इसलिए मैं नाम नहीं बताता। मैं सिर्फ साल में एक बार उस जगह को विजिट करता हूँ टैक्स फाइल कराने के लिए बस। अगर किसी को सच में जानना है कि मैं कनाडा में कहाँ से टैक्स फाइल करता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई करके आपको कमेंट पिन कर दूंगा ताकि और लोग भी देख लें। पर मैं ऐसे वीडियो में नाम नहीं लूंगा उस जगह का या कंपनी का जो भी चीज़ है, बट अच्छी है, मैंने दो बार फाइल किया है और मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप कर सकते हो। अगर वो कंपनी देख ले कमेंट सेक्शन में नाम, तो मेरे को स्पॉन्सर कर देना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। बाकी आप लोगों के कोई भी डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग टैक्स कुछ भी चेक कुछ भी लेके कनाडा में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ब्लॉग खत्म करने पहले वो मंदिर की वीडियो दिखाई थी ना, हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना कर लेना अगर कनाडा आना चाहते हो जब कुछ भी काम नहीं बन रहा है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाता है भाई हाथ जोड़ के भगवान जी जय श्री राम। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, वो करते रहिए जो मन कर रहा है, और लाइफ को ऐसे जीते रहिए खुशी खुशी। तो मिलते किसी और ब्लॉग में, पीस आउट।